दुर्ग जिले के हुड़को में आरोपियों ने SBI के 2 ATM की गैस कटर से काटकर लगभग 20 लाख रुपए पार कर दिया गया। रुपए निकालने के बाद ATM में आग लगा दी गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है। दुर्ग जिले के हुड़को में आरोपियों ने SBI के 2 ATM को निशाना बनाया। गैस कटर से ATM को काट कर लगभग 20 लाख रुपए की चोरी कर ली। रुपए निकालने के बाद ATM में आग लगा दी गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है। दरअसल पूरा मामला हुड़को के वार्ड नंबर 70 में कल देर रात 2 अलग अलग ATM में चोरों के द्वारा ATM काट कर पैसा लेकर निकालने का है। दोनों ही ATM में सुरक्षा को लेकर बैंक प्रबंधन के द्वारा कोई भी व्यापक व्यवस्था नहीं की गई है। बैंक प्रबंधन की ओर से दोनों ही ATM की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी की भी तैनाती यहाँ पर नहीं की गई है। इसी घोर लापरवाही के चलते आरोपियों के द्वारा आसानी से घटना को अंजाम दे दिया गया है और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। ATM से धुआं निकलता देख मकान मालिक ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तो देखा कि ATM का सारा सामान गायब था। मिलन चौक वाले ATM के सामने स्थित मकान के CCTV में कुछ आरोपी कैद भी हुए हैं। वार्ड पार्षद सिजो एंथोनी का कहना है कि देर रात अज्ञात आरोपियों ने ATM काट कर ATM से पैसा चोरी कर फरार हो गए। लगभग ATM में 15 से 20 लाख रुपए के चोरी करना बताया गया है। भिलाई नगर थाना TI मनोज प्रजापति ने बताया कि देर रात बदमाशों ने ATM में घुसकर ATM मशीन की तोड़फोड़ की और गैस कटर से काटकर पैसे निकालकर फरार हुए। ATM से कुल कितने पैसे निकाले गए हैं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, पर मामले की जांच जारी है। घटना की जानकारी लगते ही जिले की पुलिस सक्रिय हो गई है और मामले की जांच में जुट गई है। वही CCTV फुटेज के माध्यम से बदमाशों की पहचान की कोशिश की जा रही है। साथ ही घटनास्थल पर एक 4-व्हीलर गाड़ी की पहचान की गई है। फिलहाल उस गाड़ी की खोज की जा रही है। ये रात के 1 बजे की घटना है। लगभग 1.5 घंटे बाद यहाँ से धुआं निकलने लग गया। नीचे से जो शटर खुला हुआ था बहुत ज़ोरों से धुआं निकलने लग गया, तो आजू बाजू वाले पड़ोस वाले निकले, उन्होंने पुलिस को ही बुलाया। पर अभी देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, इतने हौसले बुलंद हो गए हैं चोरों के कि आप देख सकते हैं। यहाँ चोरी करने के बाद इसी रोड में एक और ATM है, उसमें भी जाके उन्होंने चोरी किया। मतलब इतनी लाचार व्यवस्था, कानून व्यवस्था है कि पुलिस स्टेशन से भी चोरी हो जा रहा है। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है। ये बहुत लाचार व्यवस्था है यहाँ की। बहुत सारी घटनाएं जी, बहुत सारी साइकिल चोरी, स्कूटर चोरी, बाइक चोरी, बहुत सारी चोरियों की घटनाएं हो चुकी है और 1-2 सालों में और बढ़ गए। ये है कि वो अभी कुछ दिनों से गार्ड नहीं बैठ रहा था, कुछ समय से बैठ रहा था, अभी मेरे ख्याल से कल नहीं बैठा था जहाँ तक, अब कुछ दिनों से नहीं बैठ रहा जहाँ तक। तो ये भी सायरन उन्होंने उसके लिए तार काटे हैं, ये जो प्लग निकाले हैं सामने से, प्लग निकाल के पहले उन्होंने तार को काट दिया है और कैमरे को भी बंद कर दिया है। ये अपने भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर हुड़को में SBI के 2 ATM को अज्ञात लोग अंदर घुस के तोड़फोड़ किए हैं, कटिंग किए हैं और उसमें से रकम निकाल के ले गए हैं। तो कितने का रकम होगा और रकम के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी अपना पुलिस टीम और क्राइम की टीम लगी हुई है, जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। ये कहाँ का ऐसा संदिग्ध कहीं के लगते हैं आपको? अभी फुटेज क्लियर नहीं हो पाया है, फुटेज क्लियर होते ही ये पता चल जाएगा। कितने वो क्लियर नहीं हो पाया अभी कितने लोग हैं। बहरहाल इस हाई प्रोफाइल चोरी की पतासाजी पुलिस के द्वारा सघनता से की जा रही है। जल्द ही आरोपी सिख चौक के पीछे होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।